हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर टाइप थ्री करने जा रहे हैं। टाइप थ्री में ऐसे सम्स होते हैं जहां रूट के वैल्यूज दिए होंगे, जैसे रूट फाइव का वैल्यू दिया होगा, रूट थ्री का वैल्यू दिया होगा, और हमें पूछा गया होगा 2/√5 का वैल्यू इस वैल्यू से निकालिए। एंड फाइंड टू थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, मतलब डेसिमल के बाद तीन नंबर्स होने चाहिए। कई बच्चे क्या समझते हैं, ये रूट फाइव दिया है इसका मतलब ऊपर 2 और रूट फाइव का वैल्यू नीचे डालना है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना है। ये डिफिकल्ट भी है और ये मेथड भी रॉन्ग है। हमने रैशनलाइजेशन में ये सम इसलिए आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चों, ताकि आप कैसे भी सम्स हो आप सॉल्व कर सके। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, यही तो हमने टाइप वन एंड टाइप टू में पढ़ा है। देयर शुड बी नो स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर। तो पहले हम इसको डिनोमिनेटर को निकालेंगे। अब 2/√5 का डिनोमिनेटर से कैसे निकालेंगे, इसको रूट फाइव से ऊपर भी और रूट फाइव को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यही नंबर जो है उसी नंबर से हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर बन जाएगा 2 × √5 इज 2√5, और हमें पता है √5 × √5 क्या है, 5। सो ये हमारा टाइप वन सम हो गया। पहले यहां तक आइए, इसके बाद इस नंबर का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। अब 2√5 मतलब क्या बच्चों, 2 × √5 की तो वैल्यू दी है इधर 2.236, ठीक है। सो ये रूट फाइव की जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में न डालकर हमें न्यूमरेटर में डालना है, और वो कैसे आया, रेशनलाइजेशन करने के बाद। सो हमने रूट फाइव का वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं डाला है, दिस इज रॉन्ग मेथड। हमें किधर डालना है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में कैसे आया, इसे सॉल्व करने के बाद। बस यही कॉन्सेप्ट है, ओके। सो 2 × 2.236/5। अब अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.472 / और नीचे क्या है, 5। फिर इसे आप लॉन्ग डिविजन करके आंसर फाइंड आउट कीजिए, आंसर आएगा आपका 0.894, ठीक है। अगर आपको देखना है कैसे आ रहा है तो देखिए बच्चों, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं पार्ट 4.472 / 4। सो अभी ये 4 नहीं जाएगा तो आप दो नंबर को ले रहे हैं, लेकिन बीच में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को चढ़ाइए, 5 × 8 = 40, फिर 4 रिमाइंडर 7 को लाइए, 5 × 9 = 45, 2, फिर ये 2 को लाइए, 5 × 4 = 20, फिर 2, फिर 0, सो 5 × 4 = 20, सो 0.8944। तो आप इसे 0.894 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। फाइंड वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इफ √2, √3, √10 and √5 वैल्यू इज गिवन। अब बच्चों क्या हम √2 की जगह 1.414 लिखेंगे डिनोमिनेटर में? नो, हम डिनोमिनेटर में इस वैल्यूज को नहीं डालते हैं, हम किधर डालते हैं, न्यूमरेटर में। देखिए यहाँ रूट फाइव 2.236 है, किधर है, न्यूमरेटर में, तो इसे भी हमें न्यूमरेटर में डालना है। उसके लिए क्या करना है, रैशनलाइजेशन। सो ये क्वेश्चन हो गया। रैशनलाइजेशन के लिए हमने टाइप वन में पढ़ा था, अगर रूट को डिनोमिनेटर में से निकालना है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा √2/2। अब √2 की वैल्यू तो इधर दी है 1.414, फिर इसी तरह आप लॉन्ग डिविजन करिए, 1.414 / 2, आपका आंसर आएगा 0.707। 1/√3, सो 1/√3 को भी हमें √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब न्यूमरेटर में इस वैल्यू को डालना है 1.732 / 3, तो आपका नाम आंसर आएगा 0.577। उसी तरह से 1/√10 देखते हैं। 1/√10 के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × √10 हो गया √10, √10 × √10 है 10। सो √10 की वैल्यू इधर दी गई है 3.162 / 10, मतलब ये डेसिमल वन प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, सो 0.3162। बस बच्चों इसी तरह से सम करना है। ये तो था एक ही टर्म, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अगर इधर दो टर्म हो तो
तो ये वैल्यूज को कैसे यहाँ पुट करना है।